तो दोस्तों साल 2023 खत्म होने को है और ये साल हमें बहुत कुछ दिखा गया है। खुशी के पल भी दिखाए जैसे कि चंद्रयान 3 और गम के पल भी दिखाए कि जैसे कि भारत क्रिकेट विश्व कप हार गया। बहुत कुछ इस साल ने हमें सिखाया भी कि कैसे आप चीजों को बिना शोशाबाजी करे प्राइवेट रख सकते हैं, कैसे आपको गिव अप नहीं करना है और इन दी एंड आपको सफलता मिलती ही है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार फेल हो रहे हैं, अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही। ये भी इस साल ने हमें सिखाया कि जो कमबैक हैं वो हमेशा सेटबैक से बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ा लेसन इस साल का तो क्रिकेट विश्व कप के समय मिला, जब ये हमें देखने के लिए मिला कि कितना भी आप ज्यादा ट्राई कर लें, कितनी भी आप मेहनत कर लें, जब चीज आपके पक्ष में नहीं होती है तो मतलब नहीं होती है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 का जनवरी से लेके अभी तक के पूरे कुछ चुनिंदा पल जो आपको इस पूरे साल को एक रिलिव करवा देंगे, रिलिव मोमेंट देंगे। तो आप करिए वीडियो को एंजॉय, हम मिलते हैं आपसे अंत में। देखो देखो कौन आया, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप तो स्वयं ही सूर्या हैं और तेजस्वी भी हैं। दिस मे साउंड आउटरेजियस बट दिस इलेक्शन इज अ टेस्ट ऑफ द कॉमन इंडियंस पेट्रियोटिज्म। तुम राजस्थान से, तुम्हारे पापा ठाकुर विजेंद्र सिंह, और तुम यहाँ 4 साल से मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हो। यार तुम्हारे पास तो सच में सिक्स सेंस है। हम उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री की देखिएगा, सुनिएगा और फिर सच्चाई के करीब आइएगा। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरु जी। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। फेसबुक अकाउंट तुम्हारा भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाली ना। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया। तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचे, एक एक लेटर अपने मन में लाए, और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, पर मैं चाहती हूँ मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आए, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या, दिव्या, दिव्या। और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से। आप उससे टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? जी। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत जब ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। इन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर लगातार कुठाराघात किए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा। इनका वध करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई, तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथों। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नहीं, सारुंग के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मतलब ऐसा बड़बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ मैं यार।
हवा से झाड़ियां हिलती है वो लोग बड़े खुश होंगे कहीं पे कि यार शायद उससे हमने हिला डाला, एंड अगर हुआ तो खुश वो भी खुश हो, हमारी वजह से ही खुश है। डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनी। पठान ने KGF 2 बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया। जो पठान मेरी जान के लिए क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ है। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट बट एंड बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट, वी डोंट फील शाय इन दिस। आप खुद सोचिए, एक महिला पाकिस्तान के सिंध से दुबई गई, दुबई से काठमांडू गई, काठमांडू से बस में बैठ करके भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और करीब 2 महीने तक उसने अपने होने की सूचना किसी को नहीं लगने दी। अब आप सोचिए कि ये तो सीमा थी, ये सरहद पार करके आई मोहब्बत के लिए, लेकिन फर्ज कीजिए कि यहाँ पर सीमा की जगह पाकिस्तान का कोई आतंकवादी या जासूस होता तो। और अतीक को शायद यहाँ से दूसरी वैन की ओर ले जाया जा रहा है। बहुत बड़ा लड़का ठोबे। हम आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए ये वैन क्यों रुकी थी, उसके पीछे एक वजह है। दरअसल अतीक को यहाँ पे तुम्हारे चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? फोटो खींचेगा ना? ले खींच 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 फोटो खींच। क्या बात है, 100 रुपया महीना देने में लोगों की फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। 100 रुपया महीना ही तो मांगता हूँ, और 100 रुपया महीना अगर आप जी तलवार पे आप खर्च नहीं कर सकते तो आप है ना मर्द है, दुगले है, बेशरम है, बेहया है, किस बात के मर्द है, सही की गलत? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बटी रे साजन तैयार था वाजा, ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोतियू। धर्म बजरंग बली आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है, उसको प्रचार का विषय बनाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बार कर्नाटक में कोशिश की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इस देश पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह के प्रचार को देश ठुकराता है। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? नहीं। ये इससे बड़ा अपमान मैं करोड़ों भक्तों का नहीं मान, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता अपमान जो प्रधानमंत्री ने खुद किया और उसका जवाब मिला उन्हें। मैं मास्टर जानते हैं वो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन है जिसमें कुछ भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। ग्लैड अमित पांड्या, व्हाई आर यू सो एंग्री? पर बीजेपी 100 पर कांग्रेस, बजरंग बली का आशीर्वाद इस वक्त। आई जस्ट need to tell you the overall picture is still very much open, and I think we must be humble enough to admit this is not a Congress sweep election. koi baat nahi, hum to chutiye hain. aaj loktantra ki jeet hui hai, aaj EVM ki jeet hui hai, kyunki aaj Karnataka mein Congress ki jeet hui hai. aap dikhayenge, aap ye karenge, aap wo karenge, ye karenge, wo karenge. क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सब हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा फिर खेलते क्यों है, हमारा मर्जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। मुझे सुनना ही नहीं है। 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी, उसके बाद से याद करिए कि ATM से 2000 का नोट नहीं निकलता था। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100-100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है। तो जिम्मेदारी से काम ये हो रहा था कि नई ट्रैक बिछाने का बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ था, अगले साल उसे घटाकर 7,417 कर दिया जाता है, ये जिम्मेदारी है। 7,417 की इसलिए किया जाता है कि कोरोना के बाद जब रेलवे की परिचालन में निर्णायक घटोतरी हो गई थी, ऑलमोस्ट 5% पे रेलवे चल रहा था जो सिर्फ रिलीफ एंड या कोरोना के दौरान चल रहा था। डॉक्टर हैं, टाइम लाइन में थोड़ा आप गड़बड़ा गए। 19-20 का मतलब होता है 31 मार्च। एक मिनट सुनिए, देखिए फैक्ट करेक्शन कर रहा हूँ। 24 मार्च 2020 को तो देश में लॉकडाउन लगा था,
तो 19-20 में कोई कोरोना नहीं आया था, उस वक्त आपने घटा दिया ये बजट। फोन कट गया, ये फोन कट गया या फैक्ट चेक हो गया? Three planes collided, met with a fatal accident, just a tragedy, act of God, or is this somebody's fault? If yes, who would take the accountability and who would answer to these bereaved families? Some were also there for a joyride. और पूरे डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए, काफी तेज यहाँ पर धूप है प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, हौसला भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी में, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? नहीं। शासनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। एंड फॉर ऑल, यू हैव मेड इट सिंपल डेलिबरेटली। वी हैव मेड इट सिंपल बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ देर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ फिल्म, दे कैन नॉट ऑल कैन नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। जो कचरा आप चुनकर लाइए, कचरा नहीं होता, कचरा ये सवाल मतलब? सवाल लोगों के होते हैं। Wherever there is Adipurush show, each and every show, I request on behalf of all of us to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see. और देखिए बिहार से एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है, पटना जंक्शन का मामला। रेलवे स्टेशन पर एलईडी स्क्रीन में चलने लगी पॉर्न वीडियो, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग उस वक्त हैरत में आ गए जब अचानक से एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चलने लगा। अचानक उसका भड़वा कहते हैं ₹1000 दो, तो जगह भी लगी। बैठो भाई बैठो बैठो। अरे हम लोग ये जग मारने आए, घूमने आए, यहाँ पर गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते इंसान को। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज, तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पटना जंक्शन का 10 नंबर प्लेटफॉर्म है, देखिए एलईडी में डायरेक्ट चालू है ओपन प्लेटफॉर्म। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उंगली भी बताया ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असलियत है इधर उधर निकालूंगा। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, possible sexual harassment case in this country that has been recorded in the parliament, and this is a complete insult to India's democracy. India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole. Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? लेकिन एक चीज याद रखना,
अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। सब पहली प्रायोरिटी पर बेटा, और ये सोचा करो जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले सभी ऐसे। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, बोले भी तो आ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी बोले भी तो आ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर ये जो सिरे बढ़वे, उग्रवादी उग्रवादी कटवे, आतंकवादी है उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहां पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी टीम ये अच्छा कर रही है, बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, अच्छी चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करते। अब अगर आप 320 रन या 30 रन बनाते हैं और उसके बाद भी मैच हारते तो एक बार लगता कि भाई थोड़ा फाइट बैक हुआ। आज हम लोग इतनी दूर से आए, हम लोग राजस्थान से देखने आए मैच, फिर भी हमारा पूरा टोटल वर्थ ही नहीं, पूरा मनी वेस्ट हो गया। हम भी आपसे बात कर रहे हैं लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ, फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं, पेट कमिंस में सोने फ्रॉड किया लोगों के साथ, फिर भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड है, 50,000 की स्प्रेड करो लोगों को, दुनिया को स्प्रेड करो। बिल्कुल, और वो घड़ी आ गई है, 5 मजदूर निकल गए हैं। मौसमी देखिए, आपके लिए वहाँ पहुँचना बड़ा शुभ साबित हुआ। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। और दूसरी बात ये है, क्या 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 ऐसे दिखेगा, हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं, और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और यही वजह है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का महाकाल लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।